तो क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 सात छह तक हो गया था जी सर। अब देखिए सात नंबर का जो सवाल है वो इस प्रकार से है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक तथा एकेकी अथवा एकेकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो इसमें आपको वन वन और क्या करना है, वन वन चेक करना है। तो पहला आप क्या करेंगे, फलन लिख लीजिए, यानी इसका जो है डोमेन भी आर, कोडोमेन भी आर। आर मतलब क्या हो गया, आर को रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर, समझ गया ना, रेशनल नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो वही ये रियल नंबर है, डिफाइंड बाय, ये किस प्रकार से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर थ्री माइनस फोर एक्स। तो इसमें जो है आपको बायजेक्टिव चेक करना है, ये बायजेक्टिव है कि नहीं है। बायजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं बोलिए, वैसा फलन जो एकेकी और आच्छादी दोनों, वैसा फंक्शन जो वन वन और वन टू, उसे हम क्या कहते हैं, आप बोलिए बायजेक्टिव किसे कहते हैं, वैसा फंक्शन जो वन वन और वन टू, वैसा फंक्शन जो वन वन और वन टू, उसे हम क्या कहते हैं, आप बोलिए बायजेक्टिव किसे कहते हैं, वन वन और वन टू, उसे हम क्या कहते हैं, आप बोलो बायजेक्टिव किसे कहते हैं, आप बोलो बायजेक्टिव किसे कहते हैं, वैसा फंक्शन एक बार बोल दो, बायजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, समझ चुका है ना। तो कह रहे हैं कि एफ सजेक्ट आर टू आर, एफ जो है आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन है, और डिफाइंड बाय ये परिभाषित है एफ एक्स बराबर थ्री माइनस फोर एक्स। पहला चेक करना है वन वन, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, वन वन ये लिख दिए। यस सर, देखो तो यहाँ पर वन वन के लिए हम क्या लेते हैं, एफ एक्स वन बराबर वन वन के लिए क्या लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देना है कि एक्स वन और एक्स टू ये किसका सदस्य है, आर का, आर का, क्योंकि आर टू आर है, ये क्या है, आर टू आर, तो ये रियल नंबर है ना, इसलिए एक्स वन एक्स टू किसका सदस्य होगा, रियल नंबर का होगा। तो डेफिनेशन से क्या होता है, एफ एक्स वन बराबर, अब आपको क्या दिखाना है बोलो, डेफिनेशन क्या कहता है कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर हो, तो एक्स वन किसके बराबर होना चाहिए, एफ एक्स वन का क्या मतलब बोलो, तो एफ एक्स वन का थ्री माइनस फोर एक्स वन, एफ एक्स वन का क्या अर्थ, देखो एक्स है तो एक्स है, यहाँ पर वन रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स टू का क्या मतलब, ये थ्री कट गया, माइनस फोर एक्स वन बराबर क्या होगा, माइनस फोर एक्स टू, ये माइनस फोर कट गया, एक्स वन बराबर क्या हो गया, एफ क्या हो गया, किसको दिक्कत है, किसी को नहीं दिक्कत है, आप दूसरा क्या चेक करोगे, वन टू, वन टू फंक्शन की हम क्या करते हैं, वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स थ्री माइनस फोर एक्स है ना जी सर। अब बोलो ये जो माइनस फोर एक्स है बराबर किस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस फोर एक्स हो गया ना, प्लस वाई है इधर गया तो क्या होगा, थ्री माइनस क्या होगा, वाई होगा ना सर। तो देखो फोर एक्स बराबर क्या हो गया है, थ्री माइनस वाई, या एक्स बराबर क्या होगा, ये चार इधर एक्स में गुना है इधर क्या होगा, आप बोलिए ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए रियल नंबर मतलब एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है ना, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। तो देखिए y के स्थान पर कोई भी मान रख दीजिए रियल नंबर का, रियल नंबर का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होगा ना। तो x का मान कुछ हो रखिए, अथी y का मान कुछ भी रखो, यहाँ पर रखो तो रख देते वन ही रख देते वन रख देते हैं, तो थ्री माइनस वन क्या हो गया, टू टू अपॉन क्या हो गया, फोर, यानी टू बाय क्या हो गया, फोर, दो दूनी चार, वन बाय टू, वन बाय टू क्या है, रियल नंबर है ना, कुछ भी मान रखो, जीरो ही रखो,
3/4 क्या है? अगर यहाँ पर एक ही रख दो, एक रख चुके हैं, उसके बाद तीन ही रख दो, क्या रख देते हैं? मैकम तीन, तीन में से तीन गया, क्या हो गया? ये क्या होगा? जीरो नंबर नहीं है। देखो ये आर का सदस्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, इसलिए आप अगर नहीं होता यहाँ पर कट लग जाता, ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, F12 फंक्शन नहीं है। F अब क्या हो गया? F ही F12 फंक्शन। जब F11 और 12 दोनों हो गया तो F क्या है? बाइजेक्टिव। F इज बाइजेक्टिव। सात का दो नंबर का सवाल जो है इस प्रकार से है, बोलो F फंक्शन क्या है? ये भी R2R है, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में फलन है और डिफाइंड बाय F(x) बराबर क्या हो गया? 1 + x² सॉल्यूशन। पहला क्या चेक करोगे? 1 1 1 1 फास्ट लिंक करते चलो, इसको हम नहीं समझाएंगे जी सर, समझिएगा ये सब आप लोगों के लिए है जी सर, छोड़िए देखो तब बोलिए। F(x)1 बराबर क्या करोगे? F(x)2 1 + x² का होल स्क्वायर बराबर क्या करोगे? 1 + x² का होल स्क्वायर 1 1 खत्म। X1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? X2 का होल स्क्वायर। X1 का देखो, X1 बराबर क्या होगा? +√(x)2 का होल स्क्वायर। प्लस माइनस क्या हो गया? X2 हो गया। तो बोलो X1 बराबर क्या हो गया? +√(x)2। X1 जो है आपको X2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बट कोई भी संख्या अपने नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव संख्या है वो नेगेटिव संख्या के बराबर होगा नहीं होगा? X1 का भी -√(x)2 के बराबर होगा। तो ये को तो देखो सपोर्ट किया लेकिन ये को विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? F(not 1 1 function. दूसरा क्या चेक करोगे? 1 2 1 2 1 2 चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू किस में? आर का सदस्य है। एक्स वाई क्या है? आर का सदस्य। तो वाई बराबर क्या लेंगे? F(x) लेंगे। Y Fx का मान क्या है? 1 + x² या x² बराबर क्या होगा? Y-1 x बराबर क्या होगा? +√(y-1) होगा ना। अब देखिए Y का मान हम क्या रख देते हैं? Y का मान हम 0 ही रख देते हैं। इफ Y इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो बोलिए y के जगह क्या रखोगे? 0 -1 तो +√(√)1 क्या हो गया? -1 हुआ ना। तो रूट के अंदर में कोई भी संख्या ऋणात्मक हो, रूट के अंदर में कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो रियल नंबर रूट के अंदर में कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो रियल नंबर इतना ध्यान रखो, ये रियल नंबर क्या हो जाता है? तब इमेजिनरी नहीं हो जाता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए थे ना। तो ये आपको क्या होगा? रियल नंबर होगा नहीं होगा? आप कोई भी संख्या लगा रखो, -1 ही रखो फिर भी होगा रियल नंबर, -2 ही रखो रूट के अंदर ऋणात्मक आ गया तो होगा नहीं होगा? यहाँ पर लिख दो कि सो एफ इज नॉट 1 2 फंक्शन। अब देखो एफ जो है आपको न तो 1 1 हुआ न ही 1 2 हुआ, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? नहीं होगा। लिख देना है कि हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। सवाल है करो तो 8 नंबर का सवाल। मान लीजिए कि एक का भी दो समुच्चय है, सिर्फ कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी, बी टू बी क्रॉस ए, इस प्रकार है कि एफ ए बी इक्वल टू बी ए, एक एक की बाइजेक्टिव फंक्शन है। समझ गया ना? और इसके लेफ्ट एंड बी टू सेट, समझ गया ना जी सर? यहाँ पर ए और बी क्या है? दो सेट है। तो तब कहता है कि सो डेट एफ सच डेट ए क्रॉस बी,
टू बी क्रॉस ए सच डेट एफ ए बी बराबर क्या होता है एफ बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको जो है इस प्रकार से है कि एफ सच डेट ए क्रॉस बी एफ सच डेट ए क्रॉस बी टू क्या हो गया बी क्रॉस ए और फलन जो डिफाइंड है इस प्रकार से है कि अगर यहाँ पर आपको ए बी रहता है तो प्लॉट के क्या हो जाता है ए हो जाता है प्लॉट जाता है ना जी। yes, तो इसमें आपको जो है कि 1112 चेक करना है तो पहला क्या करोगे 1-1 ऐसे लिख दिए 1-1। yes, आप देखो मान लेते हैं अच्छा एक चीज बताओ 1-1 की डेफिनेशन से क्या आता है FX1 बराबर FX2 आता है ना FX1 बराबर FX2 तो 1 और 2 दोनों आता है। yes, तो मान लेते हैं कि A1 B1 तो E1 वाला हो गया जैसे FX1 होता है A1 B1 उसके बाद फिर क्या लोगे A2 B2 क्योंकि वहाँ पर एक ठो एक्स रहता था यहाँ पर क्या आ गया है दोनों आ गया है दो आ गया है ना। तो एगो F देखो X1 X2 नहीं करते हैं X1 X2 बिलोंग्स टू जो मान के चलो कि यहाँ पर आपको रहेगा एक रोस भी है एक रोस मतलब डोमेन के स्थान पर जो रहता है उसका हम एलिमेंट बनाते हैं ना उसे बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है एक रोस भी तो यहाँ पर बिलोंग्स टू क्या करेगा एक रोस भी। फिर देखो डेफिनेशन से क्या आता है FX1 बराबर FX2 डेफिनेशन से क्या होता है 1-1 का डेफिनेशन जो है अब यहाँ पर देखिए A1 B1 बराबर X1 का मान क्या ये आपका क्या हो गया X1 हो गया ये क्या हो गया आपका X1 बराबर क्या होता है A1 B1 होता है ना तो FX1 इसका अर्थ क्या हो गया A1 B1 बराबर A2 B2 अब देखिए FX2 इसका क्या अर्थ हो गया बराबर A2 B2 हो गया ना। फिर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए ये भी रहता है तो क्या हो जाता है ऐप को हटाना हो तो हम क्या लिखेंगे B1 A1 लिखेंगे ना A2 A2 इसको क्या लिखेंगे A2 A2 लिखेंगे ना। तो ये B1 किसके बराबर होगा A1 किसके बराबर होगा बराबर तो क्या हम लिखेंगे B1 बराबर B2 एंड A1 बराबर A2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना कि A1 और B1 अब बराबर हम क्या लिख सकते हैं A2 B2 तो देखो यही ना होता है जी जब आपको क्या रहे FX1 बराबर FX2 रहे X1 बराबर हम क्या लिखते हैं लिखते हैं ना ये उल्टा है ये आपको फलन में इस प्रकार से डिफाइंड है ये भी रहता है तो क्या हो जाता है आपके क्वेश्चन में ही है इसलिए उल्टा दिया अंत में सर जी कैसे हुआ A1 B1 बराबर A2 B2 देखिए ये B1 किसके बराबर है B2 के बराबर A1 किसके बराबर है A2 के बराबर इसको हम लिख सकते हैं देखो तो वही चीज नाम लिखे हैं A1 किसके बराबर होगा A2 के बराबर B1 किसके बराबर होगा ठीक है सब दिक्कत भी है लिखते तो एफ क्या हो गया आपका देखो डेफिनेशन को याद रखिए फलन अपने आप बनाएगा अपने आप समझेगा अपने आप बनाएगा डेफिनेशन में याद है समझ गया ना तो भगवान भी तुमको नहीं समझा पाएगा ये बराबर हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा B2 पहले होगा A2 बाद में तो देखो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा नहीं लिखाए थे क्लास 11th में दो कर्मित युग्मों की समानता समझ गया ना तो ये B1 जो है किसके बराबर होगा B2 के A1 किसके बराबर होगा ये इस प्रकार से हो चुका है। अब देखिए इनको आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि A1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं A2 एंड B1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोई फर्क पड़ेगा इसको हम पहले लिख लिए इसको हम बाद में लिख लिए तो देखिए अगर B1 B2 पहले है तो यहाँ पर देखिए पेयर में भी ना पहले ही लिखा गया है अगर हम इसको हम पहले ले आए इसको हम किस क्या किए बाद में ले आए तो अब क्या है पहले A1 है ना क्या ऐसा लिखना मेरा गलत है नहीं है
तो पहले है क्या है ए वन है ना, ए वन लिख सकते हैं ना, इसका पहला क्या है बी वन है ना, तो ए वन बी वन को हम साथ लेंगे कि नहीं लेंगे सर। अब देखिए बराबर बराबर उसके देखिए ए टू बी टू इस प्रकार से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि ए वन किसके बराबर है ए टू के, और बी वन किसके बराबर है, तो देखिए ए वन ए टू और बी वन बी टू उसी चीज को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में। देखिए लिखने का तरीका हो गया, अगर ए वन ए टू और बी वन बी टू दिया रहे तो ऑर्डर पेयर के रूप में बराबर करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे ए वन बी वन को एक साथ लेंगे, ए टू बी टू को क्या करेंगे, और वैसे भी ये दोनों एक के साथ है ना पूर्व से ही, सिर्फ क्या करना था स्थान को चेंज न करना था। अगर पहले ही तुमको प्राप्त हो जाता ए वन पहले बी वन बाद में तो ये क्रिया करने की आवश्यकता थी नहीं, वहां पे अगर सभी पलट दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर पलट दोगे मान के चलो गलत तो नहीं होगा, ऐसा होता है लेकिन तुम बनाया तब क्या वैसे ये सवाल बनाना है, दो क्वेश्चन लिखते हैं दो तीन उसी को तीन दो लिखते हैं गलत कैसे होगा, गलत हो जाएगा ना। अगर फलन उस प्रकार से डिफाइंड नहीं है तो गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा मीनिंग होता है ये डायरेक्शनल होता है जी, ये क्या होता है डायरेक्शनल होता है, ये क्या होता है यानी ए क्रॉस बी में क्या आएगा पहला एलिमेंट एक आता है दूसरा एलिमेंट क्या आता है, जैसे मान के चलो कि ए क्रॉस हम बी लेते हैं, क्या लेते हैं ए क्रॉस बी, इसका अर्थ हो गया जैसे वन टू लिया तो वन किसका एलिमेंट होगा ए का, दो किसका एलिमेंट होगा बी का, ये डायरेक्शनल है जी है, तो टू क्या कर देगा टू वन लिख देगा, डायरेक्ट गलती हो जाएगा ये डायरेक्ट नहीं गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको बी ए है तो मतलब क्या है बी क्रॉस ए न है जी, और यहाँ पर भी ना बी ए है इसका अर्थ क्या हो गया बी क्रॉस ए न है, या दोनों को हम सही करके लिख सकते हैं ना ए क्रॉस बी, तो जिसको हम ए क्रॉस बी किए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा ए क्रॉस बी, दोनों को एकदम चेंज करेगा तब ना कोनो गलती नहीं होगा, और सिंगल को ही चेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है बी ए है ना, यहाँ पर क्या है बी ए, अगर इनको हम पहले लाते हैं इनको बाद में लाते हैं तो जो प्रोसेस इसमें करेंगे तो बराबर के साथ जो है बराबर के बाद वही प्रोसेस उधर करना पड़ेगा ना, अगर इसमें दो से गुना करते हैं तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, समझ गया ना। यदि हम इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना होगा, सेम प्रोसेस कर दीजिए कोई दिक्कत उसको बना के ना दिखाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकता है मार्क जो है कि आपको नहीं कटेगा लेकिन बनाने का ये तरीका है। तो ये आप समझ चुके हो कि ये जो है एक्स वन किसके बराबर हो गया है एक्स टू के, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू था तो एक्स वन बराबर क्या हो गया एक्स टू हो गया ना, ये वन वन फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए वन टू फंक्शन, वन टू फंक्शन, तो इसमें मान लो कि माना कि बी ए जो है किसका सदस्य है बी ए का, ये स्मॉल बी है ना, ये किसका सदस्य है बी क्रॉस ए का, तब जो है तब अस्तित्व क्या होगा, यदि बी ए बी क्रॉस ए का सदस्य है तब अस्तित्व होगा ए बी किसका सदस्य होगा ए क्रॉस बी का नहीं होगा जी, यदि बी ए बी क्रॉस ए का सदस्य होता है देखिए बी बी का ए ए का सदस्य ए बी किसका सदस्य होगा, ये भी किसका सदस्य होगा ये क्रॉस बी का होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अगर हम ए बी लेते हैं यहाँ पर मान क्या लेते हैं ए बी, तो यहाँ दिखा दिए जी बी ए किसका सदस्य होता है बी क्रॉस ए का, ए बी किसका सदस्य ए क्रॉस बी का, तो यहाँ पर हम ए बी लिए क्या लिए ए बी, तो क्या होगा बी ए होगा कि नहीं होगा ए बी लिए तो बी ए होगा कि नहीं होगा होता है ना, तो इस वही है जी, तो देखिए रूप में आ गया ये आपको x के रूप में होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा y के रूप में होगा कि नहीं होगा, डेफिनेशन क्या है y बराबर y बराबर, तो कभी हम क्या करते हैं कि y बराबर एफ एक्स लिख करके ही इनको जो है कि सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, कभी क्या होता है कि यही सिद्ध करना होता है नहीं हो गया, कभी सिद्ध करना होता है, कभी भी आप डेफिनेशन पर बैठा करके देखते हैं क्या ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हिसाब सभी तरह के होते हैं एक ही टाइप के सर्वे होते हैं, कभी आपको क्या होता है कि डेफिनेशन पर बैठा करके आपको देखना होता है, जैसे यहाँ पर आपको जो है कोई रियल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है, है ये चीज तो नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा वाई बराबर एफ एक्स जो है
ये सिद्ध ही करना पड़ेगा, ये दिखाना ही होगा, समझ गया ना। वहाँ पे आर टू आर रहता तब सर जी, तब सूर्य मान लेते हैं आर टू आर रहता ना, तो आपको ये फंक्शन भी कुछ अलग होता। हाँ। जी सर, यस सर, समझ गया ना। ये फलन भी आपको कुछ अलग दिया रहता, तो इसमें आपको क्या दिखाना था वाई बराबर एफ एक्स। देखिए इसको हम क्या मान सकते हैं, वाई ये क्या हो गया एक्स, तो वाई बराबर एफ एक्स हुआ कि नहीं हुआ, वाई बराबर एफ एक्स हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं वन टू, जिसका अर्थ हो गया कि सेट बी यानी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सभी क्या है इमेजेज है, समझ गया ना। ये क्या है प्रतिबिंब है, तो कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेज हो तो उसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है और वो तो सवाल को लेट एफ फंक्शन एन टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन बराबर देखो एन प्लस वन बाय टू इफ एन इज ओड, और दूसरा इसका जो है कंडीशन एन बाय टू इफ एन इज इवन, एन बाय टू कब होता है जब एन इवन हो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन सभी एन बिलोंग्स टू एन के लिए सभी एन के मानों के लिए। अब यहाँ पर देखिए फलन जो है आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, फलन किस में है नेचुरल नंबर से नेचुरल, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या, यानी इसका जो है डोमेन ये एन क्या हो गया डोमेन, ये एन क्या हो गया इसका कोडोमेन, समझ गया ना। तो ये जो है कि आपको एन से एन में मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फलन इस प्रकार से डिफाइंड है देखो कि एफ एन बराबर आपको दिया है एन प्लस वन बाय टू, इसके बाद इफ एन इज ओड एन क्या हो विषम, विषम गया ना, एन इज ओड, ओड का हिंदी क्या होता है विषम, एन बाय टू इफ इवन एन इज इवन इवन सम सम, समझ गया ना। तो ये चीज दिया है नंबर नाइन एफ असल्टेट एन टू एन, एफ एन बराबर आपको क्या हो गया एन प्लस एन बाय टू इफ एन इज ओड, जब एन क्या हो विषम हो, एन बाय टू होता है जब एन क्या हो सम सम हो। और आपका सवाल भी है कि एफ फंक्शन एन टू एन वी डिफाइंड बाय एफ एन बराबर, ये चीज आपको दिया हुआ है, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, उसके बाद कह रहे क्या स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर, तो अपने आंसर के द्वारा इनका जो है कि औचित्य सिद्ध करो, औचित्य करो ये जो है कि ये वन 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 टू होगा कि नहीं होगा, तबे ना बाइजेक्टिव होगा जी। यस सर, अगर मान के चलो कि कोई एक भी नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। पहला आप क्या चेक करेंगे वन 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 हम चेक करेंगे, तो वन वन का एंट्री क्या होता है एक एक, 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 यानी एक का एक, एक का एक, एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। देखिए कड़ाई की एन इज ओड, एन इज ओड तो तीन एन इज एक तीन ओड, एन को हम क्या लेते हैं ओड, तो बोलो एन का मान क्या लोगे एक, एक, एक ले सकते हैं ना। यस सर, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ये क्या है नेचुरल नंबर, एक शुरू होता है ना, नेचुरल नंबर में विषम कौन सा होता है एक होता एक, है तीन पाँच सात नौ इसलिए चलते जाता है अनंत तक, उतना हम एलिमेंट नहीं लेंगे, एक या दो एलिमेंट लेकर के हम देखेंगे कि ये जो है वन वन होगा कि नहीं होगा। जैसे हम वन ले लिए तो वन प्लस वन बाय, तो वन प्लस वन बाय क्या होगा टू होगा ना, वन बाय टू, टू बाय क्या हो गया टू, टू बाय टू वन, तो इसका क्या हो गया मान वन हो गया। अब देखिए इसी में एफ टू एफ थ्री, ये जैसे और लिए थे एन इवन हो, एन क्या हो इवन, एन इवन एन सम संख्या, एन क्या हो सम संख्या, तो हम क्या लेंगे दो, इसमें दो लेंगे। यस सर, अब देखिए ये यहाँ पर क्या रखेंगे दो, दो बटे दो, दो बटे दो कट गया ना, वन क्या आया वन आया ना। देखिए एफ वन का भी मान क्या है एक, एफ टू का भी मान क्या है एक, तो F1 बराबर क्या होगा F2, F2 होगा ना, इसीलिए एक बराबर दो, एक बराबर दो होगा होगा, F इज नॉट वन वन नॉट वन 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 वन, इसका मान बराबर हो जाएगा सर, जिससे मतलब ना ये बराबर होना चाहिए
क्या लिए हैं, एक लिया है ना डोमेन में, क्या लिए, ये डोमेन का एलिमेंट हुआ, इधर डोमेन, इधर क्या निकलता है कोडोमेन का एलिमेंट। वन में देखिए डोमेन में क्या लिए हैं, वन में वन, फिर डोमेन में क्या लिए हैं टू टू, एक का इमेज क्या बना वन वन, दो का इमेज क्या बना वन वन वन, फंक्शन है नो सर, ये कौन फंक्शन है, मेनी वन, मेनी वन मेनी मतलब अनेक, यानी दो का एक हो गया, एक से अधिक का एक, वन मतलब क्या हो गया एक का एक, देखो एक का अलग बनना चाहिए था, दो का अलग बनना चाहिए था, तब वन वन होता है। आप इस प्रकार से भी दे सकते, इतना नहीं लिखो तो ये वन वन फंक्शन आपको नहीं हुआ, या फिर नोट वन वन। अब दूसरा इनका जो कंडीशन है वन टू, वन टू क्या है, पहले इसको समझ लो, वन टू हो गया, ये क्या हो गया वन टू, केस फर्स्ट में देखिए एन क्या हो ओड हो, एन क्या हो ओड हो, क्योंकि देखिए एन ओड हो तो ये ओड कब होगा, किसी भी संख्या में दो से गुना कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए तो संख्या क्या होगा ओड होगा, किसी भी संख्या में दो से गुना करके एक जोड़ देने पर वो संख्या क्या हो जाता है ओड। जैसे यहाँ पर n ओड है तो n बराबर क्या होगा, 2a प्लस 1 लिख सकते हैं, टू बी हो, टू बी भी हो सकता है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, टू सी भी, a से ज्यादा तक लिख, टू आर भी लिख सकते हैं, टू क्यू भी लिख सकते हैं, टू पी, मतलब ये जो है कोई संख्या है जो नेचुरल नंबर है, जो क्या है नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप जो है कि x भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वन रखेंगे तो दुकान दो एक तीन, दो रखेंगे रखेंगे तो दो निचारे पांच, तो इनको समझ चुके हैं कि एन ओड है तो एन बराबर क्या होगा, टू ए प्लस वन, फोर ए प्लस वन भी कर सकते हैं, यस सर समझ गया ना, सिक्स ए प्लस वन भी कर सकते हैं, प्लस वन भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया, अब देखिए देन देयर एग्जिस्ट, तब जो है कि आपको ऐसा मान लेना है, ऐसा मान लेना है कि ये जो विषम वाले फंक्शन है इसमें रखने पर आपको क्या प्राप्त हो जाए, इसका 2a प्लस 1। तो हम लेते हैं कि ये एक मान जो है इस प्रकार से विद्वान है, मतलब उस सेट में है, समझ गया ना, किस सेट में होगा बोलो, डोमेन में है, समझ गया ना, डोमेन में एक मान ऐसा है जो ये इस एन की जगह रखने पर आपको क्या मान प्राप्त, ये मान दे दिया तब क्या होगा, वन टू फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक मान हम फोर ए प्लस वन ले लिए, ये क्या होगा नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो समझ गए सर जी, फोर ए प्लस वन हो गया ना, ये फोर ए प्लस वन लिए है ना, नहीं लिए है, इसको हम किसके जगह रख दिए हैं एन की जगह, तो जहाँ एन था वहाँ पर क्या होगा फोर ए प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर एन है ना, एन का मान क्या लिए हैं फोर ए प्लस वन, ये प्लस आपका ये हो गया, ये वन आपका ये हो गया, ये बटा में टू है तो यहाँ पर बटा में क्या हो गया टू बटा। अब देखिए एक प्लस एक क्या हो गया दो, दो हो गया ना, दो से भाग दीजिए, दो दूनी चार, दो ए प्लस टू ए प्लस वन हो गया ना, ये 2a प्लस 1 भी क्या था विषम था, ये नेचुरल नंबर था ना, यस ना था जी। अब देखिए इस मान से भी आपको क्या प्राप्त हुआ है 2a प्लस 1, यानी 4a प्लस 1 का इमेज क्या होगा 2a प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ, यस। अब केस एक और है, केस 2, तो केस 2 में देखिए एन इज इवन, एन इज इवन, एन क्या हो सम हो, एन बराबर क्या होगा बोलिए, तो एन जब सम हो तो एन ए बराबर क्या लिख, टू एन बराबर क्या लिख सकते हैं टू ए, उसमें एक जोड़ेंगे तब ना विषम होगा, क्योंकि एम क्या है एन नेचुरल नंबर, एन जो है आपको सम है, एन क्या है सम है, तो सम मतलब क्या, दो से जो विभाजित हो जाए, तो किसी भी संख्या में दो से गुना कर दीजिए
उसम हो जाएगा। किसी भी संख्या में दो से क्या कीजिए, उसम हो जाएगा। ये सब नियम है, ध्यान रखिए। जैसे ये कोई नेचुरल नंबर है, ये क्या है, कोई नेचुरल, आपके हिसाब के अनुसार उसमें हम दो से गुना करेंगे तो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा। कोई भी मान लो ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है, When A belongs to N. ये जो है आपको नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब हो गया एक दो तीन चार पाँच, चलिए एक हम बैठाते हैं, दुक्का दो, दो बैठाते हैं, दो दुनी चार, तीन बैठाते हैं, दो दिया छ, तो देखो छो क्या है, इवन है कि नहीं, सम है। उसके बाद हम चार बैठा देते हैं, दो चौके आठ, आठ हो गया ना, आठ क्या है नेचुरल नंबर है ना, यस सर नेचुरल नंबर। और इवन है कि नहीं है, है। मतलब कोई भी मान रखो, पांच ही रखो, दो पंच दस, दस दस क्या है नेचुरल नंबर भी है और इवन है कि नहीं है, यस सर। तो देखो यानी किसी भी संख्या में, चाहे वो सम संख्या हो कि विषम संख्या हो, उसमें अगर दो से गुना कर दिया वो सम संख्या ही होगा, वो क्या होगा, सम संख्या ही होगा। किसको इसमें दिक्कत है, कौन नहीं समझा, चलिए तो आपको लेना है कि तब एक संख्या आपको इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट एग्जिस्ट 4A belongs to N. Yes, sir. 4A belongs to N. अब 4A क्यों लिए, 4A है वहाँ पे से, ये 2A है ना, तो यहाँ पर 4A लेगा तब ना यहाँ पर 4A रखेगा तो तब ना 2A प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। यस सर, अगर इनको 4A ले लेता तो यहाँ पर क्या लेना होता, 4A ना, क्या लेता, अब कहेगा कि ई कहाँ से आया, ये भी मन में सवाल उठता है ना, ये कहाँ ये आया, देखिए सोच करके, ये आपको पुराना न है कि ये 1 2 होगा कि नहीं होगा, आप जांचोगे ना, तो ये अपने मन से न रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या का कंडीशन नहीं है कि यही प्रयोग कीजिए, इक्के का कीजिए, तीने का कीजिए, नहीं प्रयोग है जी, आपके लिए स्वतंत्र न छोड़ दिया है, आप सभी एकदम कंडीशन को न देखोगे। तो यहाँ पर क्या लोगे, 4A, क्या लोगे 4A, अब देखिए तो 4A लिए हैं तो किस फंक्शन के लिए है, जब n इवेन हो, जब सम हो, समझ गया ना, इवेन वाला कंडीशन फंक्शन में कौन है, n बाई टू है तो 4A बाई टू, यहाँ पर n होता है तो यहाँ पर क्या होता है n, यहाँ पर 4A होगा तो यहाँ पर क्या होगा 2, तो 4A बाई टू, टू बराबर दो, दूनी क्या हो गया चार, 2A यानी 2A हो गया ना, ये कौन हुआ, बिलोंग्स टू n, n हुआ कि नहीं, नेचुरल नंबर हुआ ना, तो सो एफ ही 1 2 फंक्शन, एफ क्या है 1 2 फंक्शन है। अब देखिए एफ आपको 1 1 नहीं हुआ, एफ आपको 1 1 हुआ नहीं हुआ, एफ लेकिन 1 2 है तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। करते है कि लेट ए बराबर, देखो ए बराबर आपको क्या दे दिया है, आर माइनस थ्री, ए जो है कि सेट ए है, सेट ए क्या है रियल नंबर, सेट ए क्या है रियल नंबर, उसमें जो है कि तीन को छोड़ करके, तीन को छोड़ करके, क्योंकि आर में से रियल नंबर में तीन घट रहा है ना जी, यस तीन नहीं लेंगे लोगे रियल नंबर में, माइनस तीन लेंगे ना, माइनस तीन क्यों लेगा, तीन को सिर्फ छोड़ करके, तीन घट रहा है तो तीन नहीं होगा, रेस्ट जितनी भी संख्या सभी आएगी दो हो जाएगा। उसके बाद देखो सही बोलते तीन के छोड़ के, फिर बी में दिया है ये आर माइनस वन दे दिया है, यानी एक को छोड़ कर, एक को छोड़ करके, तो सेट ए में जो है, सेट ए क्या है रियल नंबर है, इसमें तीन को छोड़ करके, और सेट बी क्या है ये भी रियल नंबर है तो इसमें एक नहीं होना चाहिए, यस पूरी हिसाब को पढ़ो तो, पढ़ो हिसाब को, मान लीजिए कि जोर से पढ़ो, तथा बी बराबर आर माइनस वन है, एफ एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस टू बट एक्स माइनस थ्री गुणा पढ़ने से तुलना में ए टू बी पर विचार कीजिए, तथा
देखो ये लड़का सही से एकदम मारेंगे जोर से लगा देता तुमको दो लड़का को देखिए ए वहां पे बुक है ना ये 11 की चलाओ ना हमने एक मेरा फार्मूला बुक ड्रॉप छे जोर से मान लीजिए कि a बराबर r माइनस 3 तथा b बराबर r माइनस 1 है fx बराबर x माइनस 2 बाय x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f such that a to b पर विचार कीजिए क्या f एकेकी तथा अचदक है अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए समझ गया ना यस आपको 11 और 12 का जो है जांच करना है 11 और 12 का जांच करना है देखिए ये तो आपको दे दिया इसका डोमेन भी रियल नंबर है तो डोमेन भी रियल नंबर है फंक्शन परिभाषित किस प्रकार से f x बराबर बोलो x - 2 है x - 2 बटे x - 3 चलिए 11 फंक्शन चेक करना है ना यहां पर हम क्या लिख देंगे 11 ये 11 लिख दिए 11 के लिए देखिए क्या होता है fx = fx2 fx1 = fx2 fx2 लेते हैं ना ले लिए fx1 = fx2 अब देखिए तो fx1 का मतलब क्या हो गया क्या लिखेंगे इसीलिए x1 = x2 यहां पर 1 देंगे तो यहां पर क्या दोगे x1 हां समझ गए x1 समझ गया ना यस सर क्या दोगे x1 - 2 बटे x1 - 3 बराबर x2 - 2 बटे x2 - 3 3 हो गया ना कोना कोनी गुणा कर दो x1 * x2 कोना कोनी नहीं होता है जी यस सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही चीज हम कर रहे हैं अब ये संख्या इससे गुणा हो जाएगा ना यस सर x1 - 3 * x2 - x2 - 2 ये हो गया ना x1 को x2 से गुणा करो तो x1 क्या होगा x2 फिर x1 किससे गुणा होगा माइनस 3 x1 होगा ना यस सर फिर माइनस 2 x2 फिर माइनस 2 x2 2 x2 हो गया यस सर प्लस माइनस 2 प्लस 6 इसको इससे गुणा करो x1 x2 x2 माइनस 2 x1 फिर क्या होगा उसमें माइनस 3 x2 प्लस 6 कट वो कटेगा ये छो कट गया यस सर ये मान कट गया गया अब देखो ये माइनस 3 x1 है ना यस सर ये प्लस ये माइनस 2 x1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ना होगा जी यस माइनस 2 x1 है बराबर के इस साइड आया क्या होगा प्लस होगा ना यस सर ये तो यहां इधर आ चुका है ना बचा बचा माइनस 3 x2 माइनस 3 x2 और उसको भेजेंगे उस साइड माइनस 2 x2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा प्लस 2 x2 अब देखिए x1 क्या बचेगा इसमें माइनस 3 x1 में 2 x1 जोड़ेंगे कितना होगा माइनस 2 x1 माइनस x1 बचेगा सर माइनस x1 ना होगा यस सर ये 3 थोड़े है पॉजिटिव कितना तो पहुंच हो गया जी वो तो नहीं समझो कि 3 टका कर्जा है 2 रुपया दे रहा है 1 रुपया बचबे ना करेगा कर्जा यस सर इधर क्या होगा क्या होगा उधर से माइनस x2 होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा x1 बराबर क्या हो गया इसीलिए f इज 1 देखो 1 1 फंक्शन ये कहता है कि वो fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2 होनी चाहिए तो पूर गया कि नहीं पूर गया पूर गया ना f इज क्या होगा 1 1 फंक्शन f इज 1 1 1 1 फंक्शन देना चाहिए वो समझ गया ना यस सर दूसरा क्या चेक करोगे दूसरा 1 2 1 2 ऐसे 1 2 फंक्शन हम लिख दिए यस सर लिखने के पश्चात देखो तो y बराबर x तो मान लेते हैं कि x जो है किसका सदस्य है ये का एक 1 2 की परिभाषा से क्या होता है x a का सदस्य होता है y किसका सदस्य होता है यानी दो सेट लेते हैं ना जी यस ये और भी तो x किसका सदस्य होता है एक का ये का और जो है y किसका सदस्य होता है d का ऐसा हम लेते हैं यहां पर लिखना चाहो तो ध्यान देयर तब जिस y बिलोंग टू हम क्या लेते हैं b यस सर बिल्कुल सही तो fx बराबर क्या होता है y नहीं होता है yes, fx बराबर y अब तो इतना तो परिभाषा से है इतना तो परिभाषा से आता है yes, क्या आता है अब y fx का मान क्या है x - 2 बटे x - 3 x - 2 / x - 3 देखिए परिभाषा को रट जाइए yes. परिभाषा को नहीं रट के रखेंगे तो फिर ये सोचेगा ये कहां से है ये सब परिभाषा से आता है यस सर
इसमें आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालिए। तो x का मान निकालने के लिए आप कोना कोनी क्या करेंगे, तो y को किससे गुना करेंगे, x से, तो क्या होगा x फिर y को किससे गुना करेंगे, 3 से नहीं होगा, माइनस थ्री वाई और बराबर में क्या होगा, x माइनस टू, ये x माइनस टू होगा ना, बराबर में हम क्या लिख देंगे, x माइनस टू। अब देखिए ये प्लस एक्स है ना, ये क्या है प्लस, तो बराबर के इस साइड लाएंगे, एक्स वाई माइनस एक्स हो गया ना, यस सर, ये आपका क्या है बराबर है ना, माइनस टू प्लस, ये यहाँ पर क्या बचा है, माइनस टू है ना, यस सर, तो माइनस टू लिख दिए, प्लस थ्री, माइनस थ्री वाई को हम इस साइड ले आएंगे, क्या होगा प्लस थ्री, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, थ्री वाई, अब माइनस टू को बाद में हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें देखो एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन आ जाएगा, एक्स इंटू वाई माइनस वन होगा ना, यस सर, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा बोलो तो, एक्स बराबर थ्री वाई माइनस टू बटे वाई माइनस वन, बटे वाई माइनस वन, वाई माइनस वन बी कोडोमेन हो गया ना सर, कोडोमेन में अगर मान के चलो कि एक एक का यहाँ पर यूज कर दो, वाई के स्थान पर क्या रख दो, तो एक में से एक गया क्या हो गया, जीरो, मान क्या आएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, उतना बटा जीरो, इन्फिनाइट होगा ना, यस सर, ये रियल नंबर होगा, नो सर, इन्फिनाइट रियल नंबर होता है, नो सर, नहीं होता है, तो इन हिसाब में छोड़ दिया है, अगर ये कंडीशन नहीं रहता, ये कंडीशन नहीं रहता, तो ये रियल नंबर नहीं होता, यस सर, ये कंडीशन नहीं होता तो ये रियल नंबर नहीं होता, समझ गया ना, क्योंकि तब हम y के जगह रियल नंबर, y अगर रियल नंबर है, y क्या है, रियल नंबर है, क्या y का मान एक नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि y रियल रियल नंबर है, y क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर है ना, तो y का मान हम एक क्यों रखेंगे, रखेंगे ना, और जैसे ही एक हम रख देंगे तो एक माइनस एक जीरो, इनफिनाइट, विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया, विरोध हो गया ना जी, तो हिसाब ये छोड़ दिया है कि एक को नहीं लेना, एक को नहीं लेना, एक को छोड़ करके आप कोई भी मान वाई की जगह रख दो, देखो रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर होगा, जैसे जीरो ही रख दो, जीरो माइनस वन, तो माइनस वन हो गया ना, यहाँ पर जीरो रखेगा तो क्या होगा, माइनस टू, तो माइनस टू बटा माइनस वन, माइनस माइनस कट गया, टू टू रियल नंबर है, यस, दो ही रख दो, दो माइनस दो ही रख दो, तो तीन दूनी छह, चार आएगा, चार आएगा यहाँ पर, एक चार बटे एक, चार चार रियल नंबर है कि नहीं, यानी कोई भी मान रख दो, एक को छोड़ करके, ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ये क्या होंगे, रियल नंबर, समझ गया ना, ये क्या होंगे, रियल नंबर, रियल नंबर होंगे, तो इसलिए आपको देखिए इन कोडोमेन में ही देखना है सर जी, उसमें अगर तीन को छोड़ देंगे तब तो नहीं होगा, क्या चीज, एगो तो सर जी तीनों को ना छुटा हुआ है, तो इसमें तीन को ना छोड़ेंगे, केट को छोड़ेंगे, आप देखिए तीन एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, ए का सदस्य है, ए का सदस्य है ना, यस सर, ए में से क्या छांटना है, तीन को, क्यों तीन को छांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीन रखेंगे, तीन में से तीन गया, तीन में से तीन जीरो जीरो आ गया, इन्फिनाइट कि ना आ गया, समझ, ये इन्फिनाइट आया कि ना आया, यस सर, इसलिए एक और तीन को छोड़ कर, यानी नीचे में जीरो जो है ना, हर में जीरो नहीं होना चाहिए, और किसी को दिक्कत है, अब आप ऐसा करना दो, जैसे एफ एक्स बराबर क्या प्राप्त होता है, वाई प्राप्त होता है ना, वाई, तो देखो एक्स का मान तुमको क्या प्राप्त हुआ, ये वाई है ना, तो ये मान को तुम रख दो, वाई तुमको मिलेगा ही, देखो जैसे ये ले लिए थ्री वाई माइनस टू बटे वाई माइनस क्या हो गया, वन हो गया ना, बराबर वाई, आप देखिए यहाँ पर x है तब ना हम x देते हैं, यस सर, ये पूरी मान को क्या मान लो, x, ये पूरे मान को क्या मान लो, x, तो क्या होता है x माइनस टू, क्या होता है, x का मान क्या है, थ्री वाई माइनस टू बट्टे वाई माइनस वन, वाई माइनस वन माइनस टू टू बट्टे बटे क्या होगा बोलो, थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू बट्टे वाई माइनस वन, वाई माइनस वन माइनस थ्री, ये जो है देखो, हाँ माइनस माइनस थ्री हो, माइनस थ्री हो गया ना, यस सर, अब इनका भिन्न का घटो निकालो, भिन्न का घटो निकालो, लघुत्तम लेंगे वाई माइनस वन,
कितने लफड़ा चे हो ये चैप्टर इतना इजी है समझ जाते हैं सब समझ रहे हैं लेकिन ये इतना इजी से ही हम तोड़ रहे हैं कि समझ रहा है दिमाग से बह जाता ये कट रहा है हाँ वो कटते हैं तब समझ गया ना चलो ये दो और ये दो क्या हो गया कट गया ना उसके बाद देखिए तीन वाई में से दो को वाई गया ये वाई कट गया ना तीन वाई में से दो को वाई गया क्या बचा वाई ये को वाई बचा ना टी आप देखिए प्लस तीन में से दो गया एक हो गया ना बराबर क्या हो गया क्या बोले थे आप वीडियो सही निकला निकल आया ना बिल्कुल एफ क्या होगा आपको एफ इज 1 2 4 1 2 देखो ये जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर एक लेट एफ सच डेट आर टू आर समझ गया ना एफ कोई फलन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में बी डिफाइंड है जो परिभाषित है निम्न प्रकार परिभाषित है करेक्ट आंसर ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें करेक्ट आंसर का जो है चूज करना है समझ गया ना तो देखिए ऑप्शन ए में है कि एफ इज 1 1 1 2 एफ जो है 1 1 है और 1 2 की अच्छा था ऑप्शन बी है कि एफ इज मैनी 1 1 2 समझ गया ना बहु एक अच्छा तक उसके बाद सी में कि एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2 मतलब कड़ा क्या 1 1 है लेकिन अच्छा तक नहीं है डी है कि यार ना तो 1 1 है ना 1 2 और ना देखो अच्छा तक सॉल्यूशन हम इनका करते हैं सॉल्यूशन देखिए एफ एक्स बराबर क्या है एक्स बराबर 4 है ना यस सर जी सर तो हम क्या लेते हैं Fx. 1 लेते हैं क्या लेते हैं तो 1 का पावर क्या हो गया 4 1 हो गया ना yes, फिर हम माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 1 का पावर क्या हो गया 4 तो बराबर क्या 1 होगा इसका मान 1 लेते हैं जहां x है वहां पर क्या रहेगा 1 क्यों 1 ले लिए क्योंकि रियल नंबर है तो 1 रियल नंबर है कितना है यस सर है फिर हम क्या लेते हैं माइनस 1 लेते हैं ये जो माइनस 1 है ये कौन नंबर है रियल नंबर है ले सकते हैं ना यस सर तो माइनस 1 पर पावर 4 क्योंकि सम पावर है तो क्या होगा 1 ही ना होगा तो आप देखो माइनस 1 और 1 का कौन है इमेज वाला फंक्शन होगा तो बोलो ये 1 1 होगा नहीं होगा कौन फंक्शन हो गया ये होगा मैनी 1 ये कौन फंक्शन हुआ मैनी 1 हो गया अब हम बात कर लेते हैं अगर मान के चलो कि इसमें दूर है में क्या रहे दौड़े किसमें दिया ना हाँ जी सर दौड़े देखिए वो आपको कोडोमेन में रहेगा वो आपको क्या रहेगा ये आपको ये तो हिसाब में ना है सर ये अपने मन से दिया हाँ ये आपको ऑब्जेक्टिव है ना बनाओगे ना वैसे हम कहोगे तो डायरेक्ट मार देंगे इसका लेकिन फिर भी समझा देते हैं इनका कौन ऑप्शन होगा दो देखिए रियल नंबर है ना यस सर आर में होगा ना yes, sir, sir. आप देखिए ये इसका वही इमेज ना होगा कैसे परिभाषित है एफ एक्स बराबर क्या है वन लेगा तो क्या हो गया 1 पर पावर 4 होगा अगर 2 लेगा तो क्या होगा 2 पावर 4 होगा समझ गया ना यस सर तो इस प्रकार से बढ़ते जाएगा इनका मान क्या हो जाएगा 16 तो 1 हो गया 16 हो गया फिर 3 लेगा तो 3 3 9 27 81 होगा ये सब ना इमेज होगा रेस्ट जो एलिमेंट होगा वो इमेज होगा नहीं होगा तो बी में एलिमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा बी में एलिमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा तो 1 2 फंक्शन होगा 1 2 फंक्शन वही ना होता है जो कोडोमेन में जो है कि आपको एक एलिमेंट बी का प्रत्येक इमेज होना चाहिए बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए इमेज होना चाहिए लेकिन इसमें तो ढेर सारे एलिमेंट बच जाएंगे ना बच जाएंगे तो इसलिए ये जो है आपको मैनी 1 फंक्शन होगा 1 2 फंक्शन नहीं होगा ये आपको 1 2 फंक्शन नहीं होगा सिंबोलिक रूप में 1 2 वाई बराबर हम क्या करते हैं 1 2 के लिए एफ एक्स करते हैं ना यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या है एक्स पावर 4 है ये एक्स बराबर क्या होगा 4th रूट क्या होगा 1 होगा सर अगर वाई के जगह तुम माइनस वाला संख्या ले लिया क्या सर वाई के जगह जो है कि माइनस वाला संख्या ले लिया माइनस में रूट नहीं होगा सर जी
क्या रियल नंबर होगा? रियल नंबर की अगर रूट क्योंकि वाई रियल है, वाई क्या है? रियल है, तो माइनस को लिख सकते हैं ना? यस सर, वाई रियल है, रियल जो वाई जो जगह पर माइनस को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप माइनस दो रख दोगे रूट में आ गया ना माइनस दो, तो इमेजिनरी हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, रियल हुआ नहीं हुआ? तो ये आपको वन टू फंक्शन होगा, तो कौन ऑप्शन होगा? एफ नो तो वन टू होगा नहीं, वन वन होगा, ऑप्शन मारेंगे हम डी होगा, डी होगा, डी कार्ड है कि मैनी वन वन टू डी होगा, अच्छा वन टू डी होगा, डी होगा, वन टू में शामिल है, अच्छा वन टू नहीं ना, डी होगा, नो तो वन वन है नहीं, वन टू वन टू सही हुआ कि जो लेगी इतना मिर्चा चाहो ये भीविया क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाई के लिए एफ फंक्शन है आर टू आर, समझ गया ना? एफ क्या है? फलन है जो आर से आर में यानी रियल नंबर से रियल नंबर में है। अब ये डिफाइंड है एफ एक्स बराबर क्या है? थ्री एक्स है। एफ एक्स किसके बराबर है? थ्री एक्स के बराबर। ये फलन इस प्रकार से डिफाइंड है एफ एक्स बराबर थ्री एक्स। चूज द करेक्ट आंसर, तो सही उत्तर का क्या करना है? चूज करना है, करना है, चयन करना है। तो बोलो ये चार ऑप्शन आपके सामने में है एफ वन 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 टू और मेनी वन वन टू। देखो वन वन बट नॉट वन टू, नाइदर वन वन नॉर वन टू, समझ गया ना? तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि इनका कौन सही ऑप्शन होगा। तो देखो एफ एक्स बराबर क्या है? थ्री एक्स है ना जी। yes, तो वन वन के लिए क्या करोगे? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करोगे ना? तो थ्री एक्स वन बराबर क्या होगा? थ्री एक्स टू। ये कट गया ना, एक्स वन बराबर क्या होगा? टू हो गया। तो ये आपको वन वन हो गया ना? यस सर, वन वन हो गया। अब वन टू, यस सर, वन टू चेक करते हैं। तो वाई बराबर क्या होता है? वाई बराबर एफ एक्स, एफ एक्स होता है ना? एफ एक्स का मान क्या है? थ्री एक्स है। एक्स बराबर क्या होगा? थ्री, वाई बराबर थ्री। ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? ये सर होगा, होगा ना रियल नंबर? अच्छा ये नहीं होगा कि होगा? अब की बार वाई बटे होगा सर, होगा क्योंकि ये हम जो लिखे हैं सही है कि गलत है? गलत है, है ना? क्योंकि वाई का कोई भी मान रखो, वाई का कोई भी मान रखो, रियल नंबर नहीं होगा। जीरो रखो, एक रखो, दो रखो, रियल नंबर ना होगा? तो एक्स क्या है? रियल नंबर है ना? नहीं है, क्यों? देखो ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया? वाई। तो रियल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ चुका है ना? एक्स मतलब क्या? रियल नंबर का सदस्य होता है। तो ये आपको वन टू भी हुआ, ये वन वन और वन टू दोनों है, कौन ऑप्शन होगा?